राफ्टिंग के लिए पूछेंगे ये कितने में करा रहा है। यहाँ से हम जा रहे हैं मतलब 2 किलोमीटर था, तो एक भैया ने बोला भाई बाइक ले जाओ जाती है, मतलब बाइक जाती है तो फिर क्यों नहीं लेके चले। मतलब ऊपर इतनी ठंडी हवा लग रही है, इसके अंदर कितना ठंडा पानी होगा। अभी हम हरिद्वार में स्टे कर रहे थे, तो ये मतलब थर्ड पार्ट हो गया आई थिंक। यहाँ से हम जा रहे हैं आज ऋषिकेश, और ऋषिकेश में आज मतलब थोड़ा बहुत वाटर स्पोर्ट बोलते हैं, वाटर एडवेंचर बोलते हैं, मतलब वाटर स्पोर्ट हुआ या वाटर एडवेंचर हुआ जो भी है, रिवर राफ्टिंग करने वाले हैं आज। तो आज का स्टे वहीं पर रहेगा, और कल नेक्स्ट डे हम सोनप्रयाग के लिए निकल जाएंगे। और हमारे साथ यहाँ से कुछ महाराष्ट्र के भाई लोग हैं, हमारे बगल में रूम है उनका, उन्होंने हमें यहाँ से ज्वाइन किया है। रूम से नीचे खड़ी हमारी बाइक्स। तो निकलेंगे अब ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश यहाँ से आया है करीबन 30 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं है। और कल हम गए थे उधर हर की पौड़ी, और पानी देखो यार कितना कम हो गया। ये बगल में बड़ी खूबसूरत सी पेंटिंग बनी हुई है, ओम नमः शिवाय। यार इस पे ये है ना, ये ऐड गलत कर देते हैं, आप लोगों को लिख रखा है लिंग ज्योति बाबा सारे रोग मिटाए कॉल करे, पीछे लिख रखा था। और इधर ये ग्रीनरी, और इसके बगल में है गंगा नदी वो जस्ट, और बगल में पहाड़, और इधर की साइड जो पहाड़ थे ना इसके अभी वो हल्के हल्के फॉगी से हो रखे थे। ग्रीनरी मतलब इन पर हल्की हल्की सी धूप पड़ रही है, कितने खूबसूरत से लग रहा है। मेरे राइट में पहाड़ दिख रहे हैं ना, इन पर हल्की हल्की फॉग सी है, और उधर ये भी शायद गंगा ही है आई थिंक, और ये भी बड़े खूबसूरत से लग रहा है। शिवलिंग कहाँ गई यार, वो शिवलिंग देखी थी हमने कल, बड़ी सॉरी थी कैमरे में कैप्चर करना भूल गए। हाँ ये शिवलिंग बड़ी खूब बहुत बढ़िया है सब, ये करीबन होगी मेरे हिसाब से 50 फीट 51 फीट की होगी। चलो ठीक है, ये जो नीचे रिवर है इसका नाम है मोतीचूर रिवर। पानी तो नहीं है इसमें, और ग्रीनरी ग्रीनरी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी इलाके में आ चुके हैं हम। ऐसे आज ज़्यादा दूर नहीं है हमारा डेस्टिनेशन, अभी ऐसे 20 किलोमीटर और बचे हैं। और ये कोई वो है जू है शायद, क्या लिखा हुआ था पता नहीं, जू है या जंगल एरिया ऐसे कुछ। शाह उद्यान टाइगर और एलिफेंट से दिख जा यार कहीं तो दिखो। और ये दोनों साइड से पेंटिंग ही पेंटिंग बनी हुई थी। और ये आ गया तो ये अंडर पास है शायद, पर मैंने सुना केदारनाथ साइड के ना रोड ठीक हो गई बताई, मतलब कई जगह ये फूटी हुई है पहले की तरह नहीं है। वैसे हमें एडवेंचर चाहिए था, फूटी हुई चाहिए थी। ये पानी आई थिंक ऋषिकेश से आ रहा है, और इस रिवर का नाम है सोंग। और ये पानी भाई बहुत क्लीन है, यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं पे ना लो ना या नहीं। श्रीनगर 120/14, और ये श्रीनगर वो जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है। आगे दिख रहे हैं हमें बड़े बड़े खूबसूरत से पहाड़। और ये जो सीरीज है ना मतलब केदारनाथ वाली, ये मतलब बहुत बढ़िया आएगी मेरे अकॉर्डिंग तो, बस वो आप लोगों के ऊपर है हमें प्यार सपोर्ट बनाए रखें। इंस्टाग्राम पे कर लेना फॉलो, ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। यूट्यूब पे तो ये मान लो 5-7 दिन बाद 10 दिन बाद वीडियोस आते हैं, इंस्टाग्राम पे तुरंत की तुरंत स्टोरी और रील। और सीरीज़ बढ़िया लगे तो भाई ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर और वीडियो नहीं आई है इस सीरीज़ की तो मतलब वेट कर लेना, और भी बढ़िया बढ़िया सीरीज़ आएगी। और मैं आपको बता दूँ वहाँ पर स्नोफॉल होगी जब हम जाएंगे, टेम्परेचर माइनस में रहेगा, तो मैंने कभी ज़िंदगी में बर्फ़ नहीं देखी अभी तक रियलिटी में। उत्तराखंड पुलिस एम्बुलेंस में बैठी और सायरन बजा रहे हैं, भाई यार ये गलत बात है। मैंने देखा एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है जिससे साइड दी, ये लोग गलत चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ऋषिकेश पहुँचने से पहले इतना ट्रैफिक क्योंकि रोड छोटी रह गई, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है इन भाई लोगों ने, मेरे को ऐसा लग रहा है बाइक रेंटल करी है। राफ्टिंग पूछे क्या, राफ्टिंग के लिए पूछेंगे ये कितने में करा रहा है। तो अभी मैं मॉर्निंग में मतलब वीडियो एडिट कर रहा था पूरी, तो मैंने देखा कि मतलब राफ्टिंग का ना वीडियो ज़्यादा बड़ा है, और जो आया था ये भी थोड़ा बड़ा हो गया था वीडियो, तो मैंने सोचा राफ्टिंग का अलग कर देते हैं पार्ट और ये वाला अलग, तो ये वाला पार्ट पहले आएगा, राफ्टिंग वाला इसके बाद आएगा। और कल का प्लान है हम कल जाएंगे सोनप्रयाग, एंड परसों हमारी ट्रैक चालू हो जाएगी केदारनाथ की। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन रहता है उसको दबा लो ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो आएगा जब भी पता लग जाएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो ताकि आपको है ना मतलब इंस्टाग्राम पे क्या है कि तुरंत की तुरंत स्टोरी अपलोड कर देते हैं। तो होटल से रेडी होके अब हम जा रहे हैं राम झूला और लक्ष्मण झूला देखने,
अगर क्वालिटी बढ़िया लगी, मतलब फ़ोन के अंधेरे में क्वालिटी डाउन हो जाती है फ़ोन GoPro की, क्वालिटी सही आएगी तो दिखा दूँगा, नहीं आएगी तो फिर भी दिखा दूँगा। आई थिंक 5:30 या 6 बजने वाला है और आरती भी देखेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो। होटल की सीढ़ियाँ, तो अभी जा रहे हैं हम लक्ष्मण झूला की साइड और बाइक लेके जा रहे हैं, बाइक वहाँ पे पार्क कर देंगे एंड देन थोड़ा घूम लेंगे। तो राम झूला पे आए थे और यहाँ पे कन्फ्यूजन है मेरे को, राम झूला कौन सा, लक्ष्मण झूला कौन सा। तो अभी यहाँ पे ना काफी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, गंगा के ऊपर बैठे हैं, नीचे गंगा नदी जिसमें हम सुबह राफ्टिंग कर रहे थे अभी इसके ऊपर चल रहे हैं और हवाएं काफी ठंडी ठंडी आ रही है क्योंकि नीचे गंगा नदी है जो कि बिल्कुल ठंडी है। राफ्टिंग की तब हमारी भाई साहब, मतलब जब एक बार उतर रहे थे ना जब ठंड लग रही थी उसके अंदर रहने में ठंड नहीं लग रही थी, और जब बाहर आके बैठ रहे थे जब ज़्यादा ठंड लग रही थी। ठंड तो यहाँ से ही बढ़ना चालू हो गई है, आगे का पता नहीं कितनी ठंड होगी केदारनाथ में, ठंड तो यहाँ पे लग रही है। वैसे मैंने इनर पहन रखा है और एक ऊपर एक स्वेटर पहन रखा है। अभी बिल्कुल सेंटर में हम, यहाँ पे हमने उस कॉर्नर से स्टार्ट किया था और उस कॉर्नर पर आ गए और बढ़िया लग रहा है, मतलब ये लाइटिंग है ना बहुत बढ़िया है। ढेर सारी फोटो खींचने के बाद अब जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की साइड और बाइक हमारी उस साइड खड़ी है। अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं लक्ष्मण झूला देखने, अगल बगल में जा रहा है ना ये रास्ता, ये जा रहा है सीधा लक्ष्मण झूला, यहाँ से 2 किलोमीटर था राम झूला से, और यहाँ से हम जा रहे हैं मतलब 2 किलोमीटर था। तो एक भैया ने बोला भाई बाइक ले जाओ जाती है, फिर मैंने कहा बाइक जाती है तो फिर क्यों नहीं लेके चलेंगे, और लक्ष्मण झूला पे बाइक ले जाना 500 रुपये का फाइन। ठंडा हो गया वो पानी जब इतना ठंडा था, और जो पानी की आवाज़ें वो यहाँ तक आ रही है टकरा के, मतलब ऊपर इतनी ठंडी हवा लग रही है, इसके अंदर कितना ठंडा पानी होगा।